जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई अकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसके संबंध में ऑलरेडी दो एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड के संबंध में वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे स्टार्ट करते हुए आज हम यहाँ पर ख्याति ज्ञात करने की तीसरी विधि, जो कि कैपिटलाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, पूंजीकरण विधि, आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि पूंजीकरण विधि क्या होता है, पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या इसमें भी सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लागू होता है, क्या इसमें भी एक्चुअल प्रॉफिट का फार्मूला लागू होता है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कैपिटलाइजेशन मेथड में आएगा। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग गुडविल को ज्ञात करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हम लोग आज सीखेंगे कि तीसरा आपका जो मेथड है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग यहां पढ़ रहे हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में ख्याति ज्ञात करने की दो विधि है। पहला जो आपका है औसत लाभों का पूंजीकरण विधि, मतलब आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आप कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। दूसरा आपसे कह रहा है अधिलाभ का पूंजीकरण विधि, मींस सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, आप सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको यहाँ पर गुडविल ज्ञात करना है। तो दो तरीका आपका बताया गया है कैपिटलाइजेशन मेथड में, एक तुम्हारा है सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा हमारा क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम लोग इस दोनों विधि के माध्यम से ख्याति निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सीखेंगे कि औसत लाभों का पूंजीकरण एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग कैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर कैसे कैपिटलाइजेशन विधि के अंतर्गत ख्याति को हम लोग ज्ञात करेंगे। आइए इसके देखते हैं, इसे कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ भी करें आपको यहाँ पर कैपिटलाइजेशन आप एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल आपको ज्ञात करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत आपको गुडविल ज्ञात करना है। कुछ बातें आपको हैं यहाँ कर, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन, ख्याति ज्ञात करते समय कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चरण हैं, उस चरण को आपको फॉलो करना होगा। आइए समझते हैं कौन कौन से वो बातें हैं, कौन कौन से बिंदु हैं। पहला कह रहा है पिछले कुछ वर्षों का औसत लाभ ज्ञात कर लीजिए। अगर प्रश्न में पिछले कई वर्षों का दे दिया है लाभ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका औसत निकालेंगे। अगर एक वर्ष का दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कई वर्ष का दिया है तो जितने वर्ष का दिया है सबको जोड़ लीजिए, उतने वर्ष से भाग करके हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, औसत लाभ ज्ञात कर लेंगे। दूसरा पॉइंट आपसे कर रहा है परसेंटेज के आधार पर, यहाँ प्रश्न में कुछ न कुछ प्रतिशत या परसेंटेज दिया रहता है, उसके आधार पर औसत लाभ का पूंजीगत मूल्य ज्ञात करेंगे। ध्यान रखिएगा प्रश्न में यहाँ पे एक निश्चित प्रतिशत की दर से यहाँ पे दिया रहेगा, उस प्रतिशत के आधार पर आपको यहाँ पर फर्म का कैपिटलाइज वैल्यू निकालना होगा, इसके लिए आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला आपसे कह रहा है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बराबर कर रहा है कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपान कर रहा है रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न या टी है रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे कर रहा है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे हम लोग 100 से गुणा करके जो भी रेट दिया होगा उससे हम लोग भाग कर देंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म अगर निकाल लेंगे, तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कुल संपत्ति टोटल एसेट्स, ख्याति को उसमें छोड़कर ध्यान रखिएगा, गुडविल अगर है तो गुडविल को यहाँ पर घटा दिया जाएगा, में से बाह्य दायित्व जो भी बाहरी दायित्व है उसको घटाकर फर्म का विनियोजित वास्तविक पूंजी मीन्स कैपिटल इंप्लाइड आपको यहाँ पर निकालना होगा। कंपनी के टोटल एसेट्स मतलब करंट और फिक्स दोनों की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से अगर किसी प्रकार का कोई गुडविल का अमाउंट दिया है तो ध्यान रखिएगा गुडविल को घटा दिया जाएगा। उसको घटाने के बाद फर्म का जो भी आउटसाइड लायबिलिटी, जो फर्म का आउटसाइड जो बाहरी व्यक्तियों का जो दायित्व है, आउटसाइड लायबिलिटीज को घटाकर कंपनी का हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का यहाँ फॉर्मूला से कह रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स, ध्यान रखिएगा कंपनी की कुल संपत्ति, हाँ ध्यान रखिएगा टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग ऑफ गुडविल, यहां मैं लिख दे रहा हूं एक्सक्लूडिंग ऑफ गुडविल। ख्याति को छोड़कर
कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस कर देंगे, ध्यान रखिए माइनस क्या कर देंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज, कंपनी का जो भी बाह्य दायित्व है, जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है उसको हम लोग यहां से घटा देंगे। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि ख्याति ज्ञात करने के लिए, ख्याति ज्ञात करने के लिए औसत लाभ में से, औसत लाभ में से पूंजीकृत मूल्य में से विनियोजित पूंजी को घटा दिया जाए, मतलब जो हम लोग ऊपर निकाले हैं यहाँ टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकाले हैं, इसमें से, इसमें से हम लोग यहाँ पर ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले हैं इस कैपिटल एम्प्लॉयड को घटा देंगे, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म से कैपिटल एम्प्लॉयड को घटा देंगे तो जो मान आपका प्राप्त होगा, जो वैल्यू फाइंड आउट होगा वही हमारा कहलाएगा गुडविल। तो यहाँ पर गुडविल का फार्मूला देख लीजिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, गुडविल बराबर कह रहा है कि टोटल गुडविल बराबर कह रहा है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कर लीजिए इसको, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म या प्रॉफिट माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी फर्म की विनियोजित पूंजी है उसमें से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को घटा देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वह हमारा कहलाएगा गुडविल। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे गुडविल बराबर कह रहा है कि गुडविल बराबर कह रहा है कि कैपिटलाइज वैल्यू, यहाँ से हम लोग ये निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालें, हम लोग यहाँ कैपिटलाइज वैल्यू बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 करके अपॉन रेट ऑफ रिटर्न या केवल रेट। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, गुडविल बराबर निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या फर्म में माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर करा टोटल एसेट्स कंपनी की कुल संपत्ति में से एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को छोड़कर माइनस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज, अगर आउटसाइड लाइबिलिटीज प्रश्न में दिया है तो घटाएंगे, अगर नहीं दिया है तो छोड़ दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा टोटल एसेट्स में से अगर क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई भी बाह्य दायित्व आउटसाइड लाइबिलिटीज अगर नहीं दिया है तो नहीं घटेगा, वही आपका मान लिया जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, में से टोटल वैल्यू ऑफ फर्म से कैपिटल एम्प्लॉयड को घटा देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वह हमारा क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। आइए एक सवाल के माध्यम समझते हैं, सवाल आपसे कह रहा है, एक सवाल आपसे कह रहा है कि एक फर्म का पिछले कुछ वर्षों का, पिछले कुछ वर्षों का लाभ दे दिया है 1,20,000 रुपये, ध्यान रखिएगा एक फर्म है, फर्म का पिछले वर्ष में, पिछले कुछ वर्षों में 1,20,000 रुपए का औसत लाभ के रूप में कमाता है, मतलब कंपनी का जो लाभ है पिछले कुछ वर्षों से औसत के रूप में वह 1,20,000 रुपए वह कमा रहा है, जबकि प्रतिफल की दर वहां पे रेट ऑफ रिटर्न, ध्यान रखिएगा रेट ऑफ रिटर्न, एक काम कीजिए पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल आपसे कह रहा है एक फर्म का, एक फर्म का पिछले कुछ वर्षों में 1,20,000 रुपए का औसत लाभ के रूप में कमा रहा है, पिछले कई वर्षों से वो औसत के रूप में 1,20,000 रुपए का लाभ वो अर्न कर रहा है, अर्जित कर रहा है, जबकि प्रतिफल का जो दर दिया है रेट, यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न जो आपको कह रहा है वह 12% है। यदि फर्म का कुल संपत्ति, यहाँ टोटल एसेट्स की बात कर रहे हैं, फर्म का टोटल एसेट्स कितना बता रहा है 9,40,000 रुपया है, तो पूंजीगत है, तो पूंजीगत औसत लाभ विधि द्वारा, पूंजीगत औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर पूंजीगत मतलब कैपिटलाइज वैल्यू के आधार पर आपको यहाँ पर पूंजीगत औसत लाभ विधि के द्वारा ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि लेकिन लास्ट में कह रहा है आपसे बाह्य दायित्व, यहाँ पर सवाल में कह रहा है आपसे कि कंपनी का जो आउटसाइड जो लाइबिलिटीज है वह 1,20,000 रुपया है। ध्यान रखिए सवाल आपसे कर रहा है एक कंपनी है, कंपनी का पिछले कुछ वर्षों से लगातार औसत लाभ के रूप में 1,20,000 रुपये कमा रहा है, जबकि कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न है, प्रतिफल का जो दर है वह आपका दिया है यहाँ पर 12% दर से दिया है, 12% की दर से। कंपनी का जो टोटल एसेट्स है, टोटल मतलब करंट प्लस फिक्स दोनों आपका है, वो कुल मिलाकर दिया कितना 9,40,000 रुपया। तो आपको यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और साथ साथ कर रहा है बाह्य दायित्व कंपनी का जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो 1,20,000 रुपया है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए इसका इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। देखिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले निकाल लें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म, ऑफ फर्म कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे,
इसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। आप यहाँ फार्मूला में देख सकते हैं, फार्मूला में आप देख सकते हैं फार्मूला कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू रेट आपका 100 करा है अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। आइए इसको रखते हैं यहाँ पर हम लोग, तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा आपसे, ये दिया है 1,20,000 रुपया, तो 1,20,000 रुपया इनटू 100 कर देंगे और जो यहाँ परसेंटेज कर रहा है वो कितना करा है 12%। यहाँ प्रतिशत कितना करा है 12%, तो 12 से ये आपका कैंसिल हो जा रहा है। लो भाई ये हो गया, तो आपका जो ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म या प्रॉफिट आ गया कंपनी का, वो कुल मिलाकर कितना आ गया, मीन्स कह सकते हैं 10,00,000। टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या फर्म का कितना निकल गया, 10,00,000। ये आपका निकल गया 10,00,000। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहां पर, ये तो निकल गया, अगर हम लोग कैपिटल इंप्लाइड निकाल लें, कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकालेंगे हम लोग, विनियोजित पूंजी। कैपिटल इंप्लाइड के लिए देखिए ध्यान रखिएगा, कैपिटल इंप्लाइड के लिए मैंने क्या बताया आपसे, कैपिटल इंप्लाइड के बराबर कैसे निकालेंगे, कैपिटल इंप्लाइड बराबर टोटल एसेट्स कंपनी की कुल संपत्ति में से कराए, एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल है ही नहीं यहां पर, माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो रखिए यहां पर आउटसाइड लाइबिलिटीज। कंपनी का जो टोटल एसेट्स कराया है वो 9,40,000, इसमें से घटा देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज के रूप में, प्रश्न में आपसे कहा है 1,20,000, तो 9,40,000 में से 1,20,000 रुपये घटा देंगे, तो ये वैल्यू आपका आ रहा है 8,20,000 रुपया। लो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपका निकल गया 8,20,000। अब यहाँ पर जो गुडविल आपसे कह रहा है ख्याति ज्ञात करने के लिए, तो गुडविल बराबर मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखा है आप देख सकते हैं फिर से एक बार, गुडविल बराबर करा है टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या फर्म माइनस करेंगे कैपिटल इंप्लाइड, इसको फॉर्मूले में रखिएगा, तो आपका निकल गया ये टोटल वैल्यू ऑफ फर्म का प्रॉफिट 10,00,000 में से 8,20,000 रुपया, 8,20,000 रुपया घटा देंगे आप तो गुडविल का अमाउंट निकल गया आपका, इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,80,000, ये निकल गया आपका गुडविल के अमाउंट 1,80,000। लो भाई गुडविल के अमाउंट आपका निकल गया 1,80,000। सबसे पहले ध्यान रखिएगा प्रश्न में आपसे कहा है कि यहां पर आपको निकालिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन जो भी रेट दिया रहेगा उससे हमने क्या किया, इसको जब सॉल्व कर दिया तो ये निकल गया टोटल हमारा 10,00,000। इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे कैपिटल इंप्लाइड, कैपिटल इंप्लाइड बराबर का टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग ऑफ गुडविल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज 1,20,000 रुपया है, इसमें से ये हमने घटा दिया, ये आ गया इसका अमाउंट 8,20,000। अब गुडविल बराबर कह रहा है, गुडविल बराबर आपसे कि टोटल वैल्यू ऑफ फर्म से हम लोग कैपिटल इंप्लाइड, कैपिटल इंप्लाइड यहां पर हम लोग निकाल दिए थे 8,20,000, 10,00,000 में से 8,20,000 निकाल दिए, 1,80,000 रुपये आपका गुडविल का अमाउंट निकल गया। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर किसी प्रकार कोई शिकायत है या आपको इस बात कोई इसमें पॉइंट आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आज हम लोग इसी वीडियो में इसका दूसरा जो मेथड है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही पहले बता दिया था कि इसमें दो विधि आपका है और दोनों विधि आपको यहां पढ़ना है, ये देखिएगा दूसरा आपसे कह रहा है अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। पहला तो आपका हो गया औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से हम लोग निकाल दिए गुडविल का अमाउंट निकल गया 1,80,000। आज हम लोग इसको सीखेंगे अधिलाभ का पूंजीकरण विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दूसरा आपका है, दूसरा आपसे कह रहा है अधिलाभों का पूंजीकरण विधि। आपको यहां पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको यहां पे निकालना है,
कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का अमाउंट कैसे हम लोग निकालेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड का ये दूसरा पार्ट है, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग निकालेंगे, दूसरा हमारा क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन के थ्रू। तो आपको मालूम होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर मतलब होता है एक कंपनी अपने सामान्य लाभ से जितना अधिक कमाती है वह उसका सुपर प्रॉफिट होता है, वह अधिलाभ कहलाता है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल में से नॉर्मल घटा देंगे, सामान जो कमा रहा है उससे जो अधिक हो रहा है वही हमारा हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। कि वास्तव में कंपनी ने जितना कमाया उसमें से कंपनी का जो सामान प्रॉफिट होगा उसको घटा देंगे, निकल जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। और ध्यान रखिए यहां पर जो गुडविल, यहां पर जो गुडविल कह रहा है आपसे, वह कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यहां पर कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम लोग क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो यहां निकल जाएगा आपका क्या गुडविल का अमाउंट किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। आइए एक सवाल के माध्यम समझते हैं हम लोग, सवाल क्या कर आपसे देखिए, एक फर्म का कह रहा है लाभ पिछले कुछ वर्षों का इस प्रकार दे दिया है। एक मिनट पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्वेश्चन आपको खुद समझ में आ जाए सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक कंपनी का लाभ पिछले कुछ वर्षों का इस प्रकार दिया है, एक कंपनी है, एक फर्म है, उसका प्रॉफिट पिछले कुछ वर्षों का दे दिया है। यहां पर ईयर दिया है, यहां पर प्रॉफिट के बारे में कह रहा है कि वर्ष 2013 का प्रॉफिट दे रहा है 32,000 रुपए कर रहा है, वर्ष 2014 का प्रॉफिट कर रहा है 40,000 रुपए कर रहा है, वर्ष 2015 का प्रॉफिट कर रहा है 48,000 रुपया और वर्ष 2016 का जो प्रॉफिट कर रहा है कितना 72,000 रुपया। ओके, तो यहां पर कई वर्ष का प्रॉफिट दिया है, तो मैंने आपसे बताया अगर कई वर्ष का प्रॉफिट दिया रहेगा तो हम लोग जोड़कर उसका औसत निकालते हैं, उसका जोड़कर उसको हम लोग क्या निकालेंगे, उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसको ऐड करके। जबकि यहां पर जबकि कर विनियोजित पूंजी कंपनी का दिया है 2,00,000 रुपया है, प्रतिफल का जो दर दिया, ध्यान रखिएगा यहां पर इसको मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया है, 16% का है और टोटल कैपिटल हमारा कितना दिया है 2,00,000 रुपया। तो ख्याति अधिलाभों की पूंजीकरण विधि के द्वारा आपको यहां पर ज्ञात करना है, यानी कि क्या करना है, ख्याति अधिलाभों की पूंजीकरण विधि के द्वारा आपको यहां पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पर निकालेंगे कि हमारा वास्तव में एक्चुअल में कंपनी एवरेज रूप में हमारा कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लें कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है। लो भाई इसका हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इसका एक्चुअल प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट ही निकाल लें। तो जितना भी आपका यहां पर प्रॉफिट दिया है सबको हम लोग क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। देखिए 32,000 40,000, ओके यहां आ जाएगा आपका 32,000 40,000 और कितना भाई 48,000 और 72,000, ओके 48,000 और 72,000। यह 4 साल का दिया है तो 4 साल का दिया, इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग 4 से भाग करेंगे, 3 साल का होता 3 से भाग करते, 5 साल का तो 5 साल का भाग करेंगे। आइए इसको जोड़ते हैं हम लोग कितना हो रहा है, देखिए तो 0, 0 और 0, 3 अंक पे तो आपका 0 हो गया, चौथे अंक पे देखिएगा 8, 2, 10 दोबारा ये हो गया आपका 1,92,000। लो भाई टोटल आपका निकल गया 1,92,000। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपका ये 1,92,000 में हम लोग क्या करेंगे 4 का डिवाइड कर दीजिए, 4 का हम लोग भाग कर देंगे, कितनी बार जा रहा है तो 4 चौके 16 4 8 32, ये निकल गया हमारा 48,000 रुपया एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। अब हम लोग निकाल लें इसका नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर पिछले वीडियो मैंने बताया था नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड।
कि वास्तव में कितना पूंजी के रूप में लगा है और किस दर से यहाँ पे सामान लाभ प्राप्त हो रहा है, वो कर आपसे 16%, तो निकाल लीजिए 2 लाख, ये 2 लाख का 16%, 16/100, 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, 16 × 32 ये हो गया आपका 32,000 रुपये का ये लाभ हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। अब निकालें यहां से सुपर प्रॉफिट, यहां से हम लोग निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर बराबर आपको मालूम है सुपर बराबर क्या होता है, एक्चुअल माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। रखिए यहां पर, तो एक्चुअल में हम लोग निकाले कितना आया, ये 48,000 आया, जबकि कंपनी सामान्य रूप से कितना लाभ कमा रही है, 32,000 रुपये कमा रही है। तो भाई वास्तव में कितना कमाया और सामान्य रूप से जो कमाया दोनों का डिफरेंट हमारा सुपर कहलाता है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट बराबर हो गया, सुपर प्रॉफिट बराबर इसमें से ये अमाउंट घटा देंगे, ये निकल जाएगा आपका 16,000, ये आपका निकल जाएगा 16,000 रुपया, ओके। अब इसको फार्मूले में रख दीजिए, इसको फार्मूले में रख दीजिए, फार्मूला आपसे क्या कह रहा है, तो गुडविल बराबर कह रहा है, गुडविल बराबर कह रहा है आपसे, गुडविल बराबर कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट, भाई सुपर प्रॉफिट ये आपको दे दिया है यहां पर 16,000 इनटू रेट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना कर रहा है 16, वो भी हमारा क्या है 16%, ये 16 से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका गुडविल का अमाउंट जो निकल गया, गुणा कर दीजिए, ये निकल गया 1,00,000 रुपया। इस तरह से आपके यहां पर ये भी गुडविल निकल गया। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप यहां पर इसका अगर आंसर की जांच खुद से करना चाहें तो भी तरीका, आप यहां से खुद से इसका आंसर जांच भी कर सकते हैं, आप यहां पर देखिए, अगर खुद से अगर इसका आंसर जांच करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप देखिए यहां पर एक्चुअल में आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट जो आपका हो रहा है, खुद से आप आंसर जांच करना चाहोगे कि मेरा सही है गलत है, तो एक्चुअल प्रॉफिट में आपका कितना हुआ था, यहां आपको मालूम है 48,000 इंटू 100 अपॉन 16% है, और इसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ फर्म, वो निकला था विनियोजित पूंजी, कंपनी का जो विनियोजित पूंजी हो 2 लाख, इसको सॉल्व कर देंगे तो भी आपका ये आना चाहिए। ये देखिए 16 कट गया, 16 × 48, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख माइनस 2 लाख। इस तरह से आप यहाँ भी अपना खुद से स्वतः जांच कर सकते हैं कि हमारा सलूशन सही आया या गलत आया, तो इस तरह से आप यहाँ भी गुडविल का अमाउंट निकाल लिए, वो भी हमारा कितना निकल गया 1,00,000। अपने आंसर की आप स्वतः जांच भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, आप चाहें तो उसको फिर से देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, इसका निकाल दिया है एक्चुअल, इसका प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो हमने निकाला है पिछले 4 साल का दिया है, तो हमने जोड़ दिया, 4 साल का जोड़ने पर 1,92,000 आ रहा है, 1,92,000 में चूंकि 4 साल का दिया है तो 4 का भाग कर दें, कितना निकल गया प्रॉफिट हमारा 48,000 रुपया। अब ये 48,000 रुपया हुआ है, अब तो ये मेरा एक्चुअल निकल गया, एक्चुअल वास्तव निकल, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट निकल गया। नॉर्मल निकाल दीजिए, नॉर्मल कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड 2 लाख इंटू रेट कितना करा 16% दर से 16/100% है, निकाल देंगे ये 32,000 हो गया। और सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
एक्चुअल में कंपनी ने वास्तव में 48,000 कमाया जबकि उसका सामान रेट कितना है 32,000, दोनों का डिफरेंट निकल गया कितना, सुपर प्रॉफिट बराबर 16,000। इसको यहाँ पे आप फार्मूले में रख दो तो गुडविल बराबर करा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का मान 16,000 इंटू 100 करा और रेट कितना करा 16, इस तरह से कट गया आपका, ये निकल गया 1,00,000। हाँ, अगर आप अपने आंसर की खुद जांच करना चाहें, अपने आंसर की स्वतः जांच करना चाहें, तो ध्यान रखिए कैसे निकालेंगे कि एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना निकला था। वास्तव में एक्चुअल प्रॉफिट देखिए यही आपका है 48,000 इंटू क्या है, ये इंटू क्या है आपका, कर दीजिए आपका 100, और किस रेट से मिला था आपका ये 16% की दर से, तो 16 से हम लोग भाग कर दिए और इसी में से, इस संख्या में से माइनस कर देंगे कंपनी का इन्वेस्टेड। देख लीजिए, ध्यान रखिए कंपनी का जो विनियोजित पूंजी है वो 2,00,000 है, तो ये 2,00,000 रुपए आपका ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन में जो भी आपका मान दिया रहेगा, ये विनियोजित पूंजी कैपिटल आपका इन्वेस्टेड जो दिया है वही अमाउंट घटेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किया, 48,000 इंटू 100 अपन 16 माइनस 2,00,000 कर देंगे, इसको सॉल्व करिए 3,00,000, 3,00,000 में से 2,00,000 कट गया तो आपका निकल गया 1,00,000 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार कोई डाउट है, किसी प्रकार कोई हेजिटेशन, सवाल जो पॉइंट आपको न समझ में आया, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।